गाइस, दिस इज अंकुश शर्मा एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं साइंस का CBSE 2020 लेटेस्ट सैम्पल पेपर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी बार के बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने में। सो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। जनरल इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी दोस्तों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हमारे 3 सेक्शन होंगे, ए बी एंड सी। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके कंपस रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहने वाले हैं। इंटरनल चॉइस गिवन होगी, मीन्स अगर फोर्थ क्वेश्चन है या फिफ्थ क्वेश्चन है उनमें से और मिलेगा तो आप फोर्थ के अगर और में कोई ऑप्शन है तो दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। सो वी हैव नाउ फोर्थ पॉइंट। सेक्शन ए 1-1 मार्क कैरी करता है, जिसमें MCQ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी मिलेंगे, असर्शन भी मिलेगी और पैसेज रीडिंग भी आपको मिलेगी। 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। 50 to 60 वर्ड तक आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थर्ड सेक्शन में आपके 5 मार्क क्वेश्चन होने वाले हैं, और 5 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये 80 to 90 वर्ड इच। ओके, सो टोटल क्वेश्चन रहे आपके 30। तो देखिए, हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन करना चाहेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैटनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैटनेशन कैटनेशन इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं कि सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? खुद से अपने आप में जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। जैसे कार्बन अपने आप से जुड़ सकता है, सल्फर अपने आप से जुड़ सकता है, तभी तो कार्बन C4 भी मिलेगा आपको, C5H12H10, C4H10H8, C6 भी मिल सकता है। कार्बन के 6 एटम भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो अगर मैं इसकी फुल डेफिनेशन आपको बोलूँ तो आप लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, या एटम या एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो गाइस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो है, हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। अब आप जानते हैं कि पीरियड क्या होता है। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल ऐसे कॉलम होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि वर्टिकल ऐसे कॉलम होते हैं, वो सब क्या होते हैं? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। यस, वेरी गुड। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको क्या मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या बोलूंगा? पीरियड। तो आपको पीरियड के अकॉर्डिंग चलना है। तो पीरियड में एटॉमिक नंबर किस तरीके से वेरी कर रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फर्स्ट सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। आप इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम के बाद वी हैव सिलिकन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन। आप देख रहे हैं यहां पर हर केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। अभी मैं समझा रहा हूं, इतना बड़ा लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं कि वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मींस वैलेंसी कैसे पता लगाएंगे? अगर वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, तो वैलेंसी विल बी 1 4 3 2 1, तो वैलेंसी रहेगी आपकी सेम। ओके, अगर आपके लास्ट वाली शेल में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आप वैलेंसी को कैसे निकालेंगे? सो वैलेंसी विल बी 8 माइनस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बता सकते हैं मुझे फॉस्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 8 में से 5 का आंसर कितना आएगा, 3। तो मुझे बताइए आपका जो सबसे पहला है सोडियम, इसमें वैलेंसी कितनी दिख रही है, 1, क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी विल बी 1, 2, 3, 4। इसमें कितनी है, 2, 3, 4, देन 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वैलेंसी एक टाइम के बाद डिक्रीज भी हो रही है, स्टार्टिंग में वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आई मस्ट से द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, और उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगी। सो दोस्तों चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको एक पैसेज रीडिंग गिवन है। तो जल्दी जल्दी पैसेज रीडिंग करते हैं। आप यहां पर पहले पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इट इज विंड जनरेटर। ये विंड हवा से चलने वाले आपको टर्बाइन दिख रहे हैं और टर्बाइन से जनरेटर लगे हुए हैं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, विंड पावर प्लांट हो गए। तो देखते हैं सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एनर्जी। यस, विंड एनर्जी इट इज़ अ रिन्यूएबल, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। आर वाइटल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अर्निंग के लिए। उसके बाद देखिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई, सिर्फ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट। एनवायरमेंटल आप जानते हैं कि ये पॉल्यूशन वॉल्यूशन कॉज नहीं करता। ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट विंड पावर प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट विंड मिल फैसिलिटी इन इंडिया आर इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु। वर्ल्ड में इंडिया का फिफ्थ नंबर है विंड पावर प्रोड्यूसर में, हमारा हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, और लार्जेस्ट विंड मिल फैसिलिटी जो आपको अवेलेबल मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आपके तमिलनाडु में। ठीक है, मुपंडल इज द स्मॉल विलेज, एक गांव है मुपंडल ऑफ तमिलनाडु जो तमिलनाडु का गांव होगा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द विंड फार्म इन द स्टेट। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है विंड फार्म के लिए उस स्टेट की। इट यूजेस विंड फ्रॉम अरेबियन सी, अरेबियन सी से मिलने वाली जो कंडक्शन से विंड जो मुझे मिलेगी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ से हवा जो आ रही है उसकी वजह से मुपंडल के स्मॉल विलेज में विंड फार्म बनाए गए हैं जिससे विंड पावर प्लांट चल रहे हैं। द सुटेबिलिटी ऑफ मुपंडल, कि हम यहाँ पर मुपंडल क्यों यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर मुपंडल में क्यों ये विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, एज अ साइट फॉर विंड फार्म्स स्टैम्स फ्रॉम इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एज इट हैज़ एक्सेस टू द सीजनल मॉनसून विंड्स। तो आप देख रहे हैं इसकी सुटेबिलिटी क्यों है, इसकी सुटेबिलिटी क्यों है मुपंडल में, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंड फार्म बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीजनल मॉनसून की हवाएं चलती हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको गिवन है द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज ऑन विंड टर्बाइन, जो विंड टर्बाइन है यहाँ पर आप जानते हैं टर्बाइन से शॉफ्ट घूमेगी, शॉफ्ट से जनरेटर की कॉयल घूमेगी और कॉयल से जनरेटर चालू होगा। आई एम रिपीटेड अगेन, शॉफ्ट घूमेगी पहले, टरबाइन घूमेगी तो शॉफ्ट घूमेगी, रोड घूमेगी, उसको अटैच किया गया होगा किससे, जनरेटर के कॉयल से, कॉयल घूमेगी, कॉयल के घूमने के बाद क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। तो प्रोड्यूस एंड आउटपुट एसी, एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, मींस कि हर बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एसी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हर बार करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक बार पॉजिटिव है दूसरी बार क्या होगी, ये नेगेटिव। एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्स की मिलती है मुझे, 50 हर्ट्स का मीनिंग आपको आगे मैं समझाऊंगा। वोल्टेज आपको मिल रही है 220, तो हमारे जैसे घर में आते हैं 220 वोल्ट, 240 यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है, हमारे घर में 220 हम बोलते हैं कि हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस 220 का आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी 50 हर्ट्स की। इवन व्हेन द विंड स्पीड इज
फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब अगर विंड की स्पीड फ्लक्चुएट हो रही है तो हमारा करंट भी फ्लक्चुएट करेगा, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसको फ्लक्चुएशन से बचा दे। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है आगे का पैराग्राफ, कि ट्रांसफॉर्मर में मे बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द, अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूँगा, इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज एज इट इज़ कंपेटिबल विद द एंड यूजेस। हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को इंक्रीज भी कर पाएगी या डिक्रीज भी कर पाएगी, दोनों काम कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो स्टेप अप होते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाकर मेरे पास भेजते हैं। और हमारे यहाँ पर जो लोकल एरिया में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो लगे होते हैं स्टेप डाउन। यहाँ पर मैं दो वर्ड यूज़ करूँगा, एक स्टेप अप और एक यूज़ करूँगा स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, और स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन, तो वो डिपेंड करेगा भाई आप किस तरह के कनेक्शन दे रहे हैं, कहाँ पर वोल्टेज बढ़ाना है। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के को किस प्रिंसिपल वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। तो ईएमआई की आपकी फुल डेफिनेशन क्या बनेगी, ईएमआई मैंने आपको अभी समझाया है कि हमारे पास कोई भी एक कॉयल है, अब ये कॉयल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, अगर इसमें कोई मैग्नेट आए अंदर या बाहर जाए, तो अंदर भी जाना या बाहर भी जाना, तो मैग्नेट के अंदर आने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही होगी। क्यों, दूर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम, फिर और ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर हम बाहर लेके जाएंगे तब कम 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 कम, तो लगातार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होकर रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, द फिनोमिना, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या, करंट। क्या प्रोड्यूस करना है हमें, करंट, ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन अ कॉयल, कॉयल आप रेक्टेंगुलर कॉयल लेते हैं वहां पर, बाय चेंजिंग, क्या चेंज करने पर, द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चेंज कर रहे हैं आप यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, और किसके अकॉर्डिंग, एसोसिएटेड विद द कॉयल। तो यहाँ पर कॉयल क्या है, लिंक में ही ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रही है, चेंज। सो आर सेकंड क्वेश्चन इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड टर्बाइन। जो विंड टर्बाइन की आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 50 हर्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, तो हम समझते हैं इसका मीनिंग। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स, हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अब जानते हैं इसका मतलब यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इज एन बाई टी, इट मीन्स 50 साइकल्स, साइकल्स मीन्स ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, और हर एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन दो बार चेंज होती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इट मीन्स द पोलैरिटी, यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट एसी करंट क्या हो रही है, पोलैरिटी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इज चेंजिंग और कैसे चेंज हो रही है, एवरी 1/100 seconds, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 second मतलब 50 cycles इन 1 second। आप यहाँ पर इसका 50 hertz का मीनिंग समझ लीजिए, 50 cycles इन 1 second। ओके, सो अब की बार चलते हैं आंसर नंबर 5 पर, आंसर नंबर 5 नहीं, यहाँ पर आपका ये बी पार्ट हो जाता है, सॉरी ये फोर्थ ए, ये आपका बी हो जाएगा, थर्ड बी, और ये आपका थर्ड सी हो जाएगा। सी पार्ट पे चलते हैं, व्हाई डू यू थिंक मुपंडल इज एन
एडवेंटेजियस पोजीशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुपंडल बेस्ट प्लेस क्यों माना गया है, मतलब एक अच्छा प्लेस क्यों माना गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, द सुटेबिलिटी ऑफ मुपंडल एज अ साइट फॉर विंड फार्म। इसका फ़ायदा क्या है, मुपंडल का ऐसा एरिया है जहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी लोकेशन है ये जहाँ पर सीजनल मॉनसून विंड चलती रहती है। तो अगर चलती रहेगी तो आप विंड जनरेटर वहीं लगाएगा ना जहाँ हवा आपको मिल रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द सुटेबिलिटी ऑफ मुपंडल एज अ साइट फॉर विंड फार्म स्टैम्स फ्रॉम इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एज इट हैज़ एक्सेस टू द सीजनल मॉनसून विंड। तो ये सीजनल मॉनसून विंड इसके पास बहुत अच्छे लेवल पर आती हैं, दैट्स वाई कि ये बहुत अच्छी जगह है किस चीज़ के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, विंड पावर प्लांट के लिए। तो हमारा सी पार्ट भी हो जाता है। अब आप डी देखिएगा, डी में आपसे क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। ये बिलो जो आपको ये ग्राफ दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो डॉटेड के लिए है वो ए सिटी है और ये आपका जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया गया है ये आपकी बी सिटी हो जाती है। उन्होंने क्या बोला है आप देखिएगा, बेस्ड ऑन द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो विच ऑफ द टू सिटीज ए और बी वुड एन आइडियल लोकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग इन अ विंड फार्म एंड वाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपकी विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आर, ये आपकी विंड स्पीड है और किस यूनिट में है, किलोमीटर पर आर में है, और यहाँ पर आपके मंथ्स दे रखे हैं। अब देखिए कि सिटी ए है, एक सिटी बी है। अब सिटी बी में तो लगातार आपकी स्पीड बहुत कम भी हो रही है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर या आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको जनरेटर भी लगाने पड़ेंगे अच्छे। बट यहाँ पर आप ए सिटी में देखिए कि हर बार स्पीड लिटिल बिट फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये ज़्यादा बेटर मुझे क्या देगा, पावर सप्लाई देगा। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सिटी ए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सिटी ए। तो सिटी ए इज़ मोर सुटेबल, वाई इट इज़ मोर सुटेबल, बिकॉज देयर इज़ कंसिस्टेंटली हाई विंड स्पीड इन दैट सिटी थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे के पूरे साल के दौरान जनवरी टू दिसंबर लगातार कंसिस्टेंट मैं बोल सकता हूँ, कॉन्स्टेंट तो नहीं बोल पाऊंगा, कंसिस्टेंटली आपकी विंड स्पीड चल रही है, मतलब बार बार चेंज ज़्यादा नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा चेंज हो रही है। तो कौन सी सिटी आपके लिए बेटर रहेगी, सिटी ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4A टू 4D आर बेस्ड ऑन द टू टेबल्स गिवन बिलो, स्टडी दीज टेबल्स रिलेटेड टू ब्लड शुगर लेवल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पर टेबल ए है, ब्लड ग्लूकोज चार्ट है, यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको दे रखा है मिलीग्राम पर डीएल में। अभी आप यहाँ पर समझिएगा कि डॉक्टर की एडवाइस क्या बोलती है, डॉक्टर एडवाइस कब देना चाहेगा, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका होगा। तो शुगर लेवल बढ़ने का आपको जो बता रखा है डेटा वो क्या बोल रखा है कि अगर 380, 350, 315, 280, 250, 215 तक अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी, आप दवा लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बोल रखा है कि गुड में 180, 150 ये सब गुड रेंज में आते हैं, और ये आपको जो एक्सीलेंट आएगा वो 115, 80 और 50 ये एक्सीलेंट रेंज में आते हैं। ओके, ये आपकी टेबल ए है, टेबल ए में आपको डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक है। उसके बाद आपका टेबल बी गिवन है, टेबल बी में देखिए टाइम ऑफ चेक आपको टाइम बताया गया है, पेशेंट एक्स के बारे में बताया गया है और पेशेंट वाई के बारे में बताया गया है। फिर से देखिए यहाँ पर बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो उस टाइम पर आपने कुछ खाया नहीं होता, तो आप पेशेंट ए का जो ब्लड शुगर लेवल है वो 100 से कम है। आप देख रहे हैं वहाँ पर टेबल में, आपने टेबल में एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिसका कम ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि पेशेंट एक्स को अगर मैं फास्ट से पहले उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करता हूँ तो लेस देन 100 जाता है, और पेशेंट वाई का 72-130, मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिल्कुल। बिफोर लंच, सपर एंड स्नैक, तो जब आप खाना खाने से पहले थोड़ा बहुत स्नैक आइटम इस तरह की चीज़ ले लेते हैं, तो मान लो कुछ भी आप खाना पीना
सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद आप खाली पेट रहते हैं, तो लंच करने से पहले की बात बोल रखी है। पेशेंट एक्स का जो ब्लड शुगर लेवल है वो रहता है 110 से नीचे, मतलब 110 से नीचे रहता है, और पेशेंट वाई का 70 to 130 के बीच में रहता है। यहाँ देखिए कि इसका ज़्यादा ही रहता है। और 2 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, तो पेशेंट एक्स का देखिए अभी भी 140 से कम है, और इसका 180 से भी ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 180, मतलब 180 तक चला गया है, 180 से थोड़ा सा कम है। बेड टाइम जब आप सो रहे हैं तो उस टाइम पर पेशेंट एक्स का जो ब्लड शुगर लेवल है वो रहता है 120 से कम, और इसका जो 90 to 15, इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो रखा है। तो जल्द देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसके बिहाफ पर। रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई, इन्फर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोज्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल की जब भी बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं, तो आप वहाँ पर किस डिजीज की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जानते हैं डिजीज यहाँ पर होगी डायबिटीज, डायबिटीज शुगर जिसको हम बोलते हैं जनरली, डायबिटीज एक्चुअल में वर्ड होता है, डायबिटीज होता है अगर ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब आप देखिए, आइडेंटिफाई द हॉर्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट डिजीज। तो आप जानते हैं इंसुलिन की वजह से ये सारा काम होता है, इट इज इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से ये काम हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर रहेगा हॉर्मोन लेवल वो रहेगा इंसुलिन। अब आप देखिए थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट, इसमें से कौन सी डाइट आप वुड यू रेकमेंड द अफेक्टेड पेशेंट। तो अफेक्टेड पेशेंट को आप किस डाइट को बोलेंगे करने फॉलो करने के लिए। तो आप जानते हैं हाई शुगर, नो, हाई हाई फैट, हम यहाँ पर हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, लो शुगर, लो शुगर। आप यहाँ पर देखिए दो हमारे पास ऑप्शन गिवन है, एक तो है हाई प्रोटीन डाइट, एक है हाई फाइबर डाइट, और एक है लो फाइबर डाइट। डाइट पे बहुत अच्छे से डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाई फैट तो देखो आपका और लो फाइबर डाइट ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाई फैट तो बिल्कुल नहीं ठीक है। लो शुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन आप ज़्यादा खा रहे हैं और शुगर आपका लेवल कम है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप शुगर लेवल को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या खाना पड़ेगा, हाई फाइबर डाइट, और क्या कम करना पड़ेगा, शुगर। तो लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट, तो डायबिटीज़ जिसको है, तो हम यहाँ पर दो ही ऑप्शन में से जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या दे रखा है हाई शुगर हाई फैट, इसको तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे, ये तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब आप सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को देखिए, लो शुगर, लो शुगर, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, डायबिटीज पेशेंट को लो शुगर खाना पड़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट, नो, हाई फाइबर डाइट, हाँ फाइबर खाने से शुगर बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल रहता है, तो प्रोटीन डाइट आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। आपकी मसल्स में प्रॉब्लम थोड़ी है जो प्रोटीन डाइट लेंगे, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके शुगर लेवल में, तो आपको हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब हमारा ऑप्शन है डी, रेफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बियॉन्ड विच, एक ऐसा ग्लूकोज लेवल बताना है जिसके बाद डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि 50, 80, 115, 150 और 180 तक तो आपको जरूरत नहीं है, 180 से जैसे ही आप आगे जाते हैं, मीन्स बियॉन्ड जाते हैं, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहने वाला है 1, और यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, वी हैव फोर्थ, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसमें क्या गिवन है, व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इमीजिएटली द थिंग्स इन साइड द रूम डू नॉट अपीयर क्लियर टू आर आइज, दिस इज बिकॉज। आप जैसे ही अंधेरे से बाहर आते हैं, आप जानते हैं अंधेरे से बाहर आने के लिए, अंधेरे में जब आपका प्यूपिल का साइज हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर बड़ा रहेगा ताकि ज़्यादा लाइट एंट्री कर सके। जैसे आप बाहर आएंगे तो बाहर आने के लिए आपका प्यूपिल का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, ताकि कम लाइट एंट्री करे। अब आप यहाँ दीजिए कि प्यूपिल के साइज को एडजस्ट होने में पक्का क्या टाइम लगता है, तो इमीजिएटली तो ऐसा काम होगा ही नहीं,
आपकी एकदम आँखें थोड़ी सी बंद होने लग जाएंगी और तो आपको क्लियर नहीं है, आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर आप देखिए रोल किसका है, प्यूपिल का। तो हम यहाँ पर डी ये इस ऑप्शन को तो काट ही देते हैं जिसमें लिख रखा है लाइट ट्रेवल स्लोर इन द डार्क रूम, ये तो कोई रोल ही नहीं है। आपको देखना पड़ेगा 1, 2 और 4th ऑप्शन में से। तो आप देखिए प्यूपिल डू नॉट ओपन एट ऑल इन द डार्क, नो ऐसा तो होता ही नहीं है, लिटिल ज़्यादा ओपन हो जाता है बल्कि। प्यूपिल ओपन वेरी क्विकली इन द डार्क, क्विकली भी नहीं होता, ये टाइम लगाता है प्यूपिल हमेशा क्या करने में, एडजस्ट करने में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2। इसलिए आपको जब इमिजिएटली अगर आप डार्क रूम से बाहर जाते हैं या आप ज़्यादा ब्राइट से अंदर आते हैं तो आपको बिल्कुल आँखों में थोड़ा फर्क नज़र आएगा, अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन वी एंटर इन डार्क रूम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एकदम आप अंदर आते हैं, इमिजिएटली द थिंग्स इनसाइड द रूम, अंदर एकदम से डो नॉट अपीयर क्लियर टू आर आइज, एकदम से आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो एकदम से क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपके प्यूपिल का साइज़ धीरे धीरे क्या होना होगा, बड़ा होना होगा, तब जा करके प्यूपिल का साइज़ बड़ा होने के लाइट एंट्री करेगी और आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके और में गिवन है, दिस इज इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो आप देखते हैं ह्यूमन आई की वर्किंग कैसे हो रही है, हमारे आंखों में लेंस होता है और लेंस में लाइट एंट्री करती है तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा तभी जा करके हमारी आंखों में जो विजन है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या रिफ्लेक्शन है, नो। पावर ऑफ एकोमोडेशन है, हाँ होती बेशक है पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्रोसेस ही अलग है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, नो। तो रिफ्लेक्शन इज द आंसर। ओके, तो हमारे पास ये जो पार्ट है ये हो जाते हैं फाइनल, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। अब आप 6 क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो फिजिक्स के कुछ पार्ट गिवन है आपको, देखिएगा 6 क्वेश्चन। व्हेन अ 4-volt बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 100 mA, और ये आपको दे रखा है 4 volt। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, V आपको गिवन है 4 volt, आपको जो I मीन्स करंट गिवन है वो है 100 mA। आप जानते हैं मिली मीन्स 10^-3, और यहाँ पर एम्पियर है तो एम्पियर लगा दूंगा मैं। तो आपको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आप जानते हैं R इज V बाय I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V कितना है 4, I कितना है 100 × 10^-3। तो जब मैं इसको 4 × 10^+3 कर दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा इसको, यहाँ क्या कर दूंगा 100, तो ये कट होकर के आपको कितना बजाएगा 40 ओम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब पावर का फॉर्मूला VI होता है, SI यूनिट क्या होती है, SI, इट इज वॉट। तो V और I से भी फॉर्मूला बन सकता है। अब यहां देखिए V क्या है, वोल्ट, I क्या है, एम्पियर। तो यहाँ पर वोल्ट एम्पियर भी आंसर हो सकता है। तो देखते हैं क्या वोल्ट एम्पियर, हाँ बिल्कुल है, पहले में ही हमें आंसर मिल गया है। किलोवाट आर, नो, ये तो एनर्जी की है, वॉट इनटू सेकंड, वॉट तो पावर की आ गई, तो सेकंड लग गया तो वो काम खराब हो गया, ये भी किसकी बन गई, एनर्जी की बन गई, जूल सेकंड, ये भी किसकी बन गई, एनर्जी की यूनिट। तो सॉरी, जूल सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पर पावर इज इक्वल टू W/T करके देख लीजिए, पावर इज इक्वल W इज इक्वल टू P × T। W यहाँ पर क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, और P क्या होता है, आपका पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, W/T, या तो वॉट पर सेकंड होना चाहिए था, ठीक है ना, तो वॉट इनटू सेकंड है, तो ये तो हमने गलत बोल दिया, जूल सेकंड, तो जूल सेकंड नहीं हो सकता। उसके बाद किलोवाट आर, नहीं ये भी एनर्जी की यूनिट होती है, और क्योंकि किलोवाट, वॉट मीन्स पावर, इनटू में क्या कर दिया, टाइम, एनर्जी होती है, वोल्ट एम्पियर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1st। उसके बाद देखिए, इट वॉज फाउंड दैट वाटर फ्रॉम अ रिवर वॉज कंटेमिनेटेड विद कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलटेंट माइट हैव गॉट मिक्सड विद वाटर। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये मैं बता दूँ आपको कि हमारी जो बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कई बार अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है तो वो
किसी ना किसी लेवल पर डिकम्पोज, बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जा क्या नाम है अंदर एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही, जिसकी वजह से अगर वो एक्सक्रीशन के दौरान हम सीवर या सीवरेज अगर ये ज़रा सा भी पानी वानी के थ्रू रिवर रिवर में एंट्री कर जाता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा पानी ख़राब हो जाता है, तो वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, हमारी बॉडी में, ह्यूमन फेक फेकल मैटर। तो ये ह्यूमन फेकल मैटर की वजह से होता है, जहाँ भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का नाम आ गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पॉल्यूटेंट कौन होगा वहाँ पर, हमारी बॉडी का सॉलिड और सेमी सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसकी वजह से होता है। ये कौन सा होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट उसकी वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ। हम इसको जरूरत भी नहीं पढ़ने की कि फर्टिलाइजर रन ऑफ या फर्टिलाइजर बह गए हैं, ये नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हाँ ये रीज़न होता है, पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का नहीं होता। पेस्टिसाइड हाँ, जैसे पेस्टिसाइड नहीं, ये भी पेस्टिसाइड भी नहीं हो सकता। तो जो पानी में गिरता है वेस्ट, उसी की वजह से ये सारा काम हो सकता है। नेक्स्ट, और मैं आप इसका क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर क्या होता है, जिसका इंटरेस्ट हो किसमें, फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में इंटरेस्ट किस वजह से हो सकता है, हमारा लालच भी हो सकता है, हम उसका फ़ायदा भी कर सकते हैं। तो किसी न किसी बिहाफ पर अगर हम फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, तो वी आर स्टेक होल्डर्स, अगर हम फॉरेस्ट में सॉरी फॉरेस्ट के चीज़ों पर डिपेंड करते हैं तो। ओके, तो मैक्सिमम डैमेज किसकी वजह से होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको बता दूँ कि जो पीपल अराउंड द फॉरेस्ट रहते हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का वो भी स्टेक होल्डर है, इंडस्ट्री वो भी स्टेक होल्डर है क्योंकि वो लकड़ी वकड़ी रॉ मटेरियल लेती है फॉरेस्ट से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वाइल्ड लाइफ आप जानते हैं जंगली जानवर भी फॉरेस्ट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो मुझे बताइए इनमें सबसे ज़्यादा हार्म डैमेज कौन करता होगा, तो हम तो इतना नहीं करते हैं जितना रॉ मटेरियल कंपनी ले जाती है, इंडस्ट्री ले जाती है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए, इंडस्ट्री। ओके, आप 9th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। आप जानते हैं कोल पेट्रोलियम में जो ज़्यादातर होता है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं, अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो, आप जानते हैं कम्प्लीट में तो C+O2 इट कैन गिव CO2 एंड C+O2 इट कैन गिव CO also। आप सोच रहे हैं ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर तो ये है यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है तब तो ये बन जाएगा, अगर ऑक्सीजन कहाँ है कम अमाउंट में तब क्या बनने वाली है, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बनने वाली है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इनकम्प्लीट कम्बशन से मीथेन वीथेन ये सब कुछ नहीं बनेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं, तो हमारा क्या बनना चाहिए, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनकम्प्लीट कम्बशन मीन्स ऑक्सीजन की कमी है वहाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इस बात को आप ध्यान रखे चलिएगा। ओके, वैसे ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड देना होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अगर मैं एनर्जी दूँ, अगर मुझे एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स देना, थर्मिक मीन्स हीट या टेम्परेचर। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स देना, थर्मिक मीन्स हीट, अगर हीट के देने पर रिएक्शन हो तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने के लिए क्या हमें एनर्जी देनी होती है, तो मुझे बताइए कोल को जलाने के लिए क्या हमें एनर्जी देनी होती है, हाँ बिल्कुल देनी होती है, डीकम्पोजिशन। अब आप जानते हैं देनी तो होती है, पर कोल के बर्निंग से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल, तो मैं कार्बन उसमें मेन कंपोनेंट को लेके चलता हूँ, तो हमें एनर्जी मिलती है, तो बर्निंग ऑफ कोल कैन नॉट बी एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट, अब डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट, यहाँ पर तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर बैक्टीरिया डीकम्पोजर से आप ये सारा काम करवा रहे थे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि अगर C6H12O6
रेस्पिरेशन के दौरान क्या क्या निकलता है, CO2 H2O प्लस का एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है अगर हीट एनर्जी मिलती है तो। मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ ये कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन आप जानते हैं किसी की प्रेजेंस में होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, CaCO3, इट इज कैल्शियम, इट इज कार्बोनेट प्लस में, सॉरी हम हीट यहाँ पर अगर इसको देंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, तो यहाँ पर हीट क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ, दिस इज द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक सोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोल्ट। आपको जो सोल्ट गिवन है उसमें से आपसे पूछा गया है बेसिक कौन सा है, तो आप देखिए Na2CO3। अब यहां पर सोल्ट गिवन तो बेसिक का मतलब क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि सोल्ट तो न्यूट्रल होते हैं, नो, सोल्ट न्यूट्रल नहीं होते, ये बेसिक एसिडिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह के दो मेटेरियल को मिलाया है। अब मुझे बताइए Na किससे मिलके बन रहा होगा, NaOH से, CO3 फ्रॉम H2CO3, तो ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो गया वीक एसिड, ये ध्यान रखना है आपको, ये लर्न करना है, ये ज़्यादा आंसर इसी के अकॉर्डिंग आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस है तो जीतेगा कौन, बेस जीतेगा, तो ये कैसा हो गया, ये बेसिक नेचर का हो गया, ये कैसा नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, Na2CO3। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, NH4Cl का क्वेश्चन है, NH4Cl, तो NH4OH से मिलके बना होगा NH4, और ये आपका बेस हो जाएगा, वीक बेस है आपका ये, और ये HCl ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपका जीता कौन, एसिडिक सोल्ट जीता, सॉरी एसिड जीता, तो यहाँ पर आपका नेचर कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, कैसा बनेगा, एसिडिक, तो ये तो गलत हो गया। NaNO3, Na किससे मिलके बनता है, NaOH से, NO3 HNO3, दोनों कैसा है स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं जीतेगा, दोनों सेम के सेम रह जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया न्यूट्रल, यहाँ पर क्या हो गया न्यूट्रल। ओके, देन वी हैव KCl, KCl भी KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर क्या आया न्यूट्रल, तो इनमें से कोई नहीं जीता, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट Na2CO3, Na2CO3। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान दीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या गिवन है, पोजिशन ऑफ फोर एलिमेंट, चार एलिमेंट आपको गिवन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ऑफ कोर्स इट इज़ मॉडर्न, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप रहेगा, ये आपका 18 रहेगा, ये आपका सेकंड रहेगा, तो ये 17 रहने वाला है, तो मैंने ग्रुप नंबर तो डिसाइड कर लिए। उसके बाद है, क्योंकि टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं पीरियड्स, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसने, तो हमारे पास चार एलिमेंट हैं ABCD, ए है वो फर्स्ट ग्रुप में है, बी ये सेकंड ग्रुप में है, सी ये 17th में है, और ये डी 18th में है। आप जैसा कि जानते हैं फर्स्ट ग्रुप का, अगर बाय चांस कोई फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो तो इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, लेट से कोई भी एग्जांपल लेते हैं 2 8 1 वाला, और वैसे आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर कौन आएगा लिथियम, तो ए यहाँ पर हमारा लिथियम हो सकता है। ओके ना, तो वैसे भी जनरल आपको यहाँ पर एलिमेंट पहचानने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस ये देखना है ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग बात बन जाएगी, पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग बात बन जाएगी। देखिए 1 इसका मतलब जो आपका वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 है, तभी तो आपको बोला था ना फर्स्ट ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए, अगर फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, फर्स्ट 1, अगर सेकंड ग्रुप है तो वैलेंस शेल में यस 2 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, और फिर चलता है आपका ये वाले ग्रुप 13 to 18, यहाँ पर आपका 10 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ये फॉर्मूला लगता है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रही हैं ए में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, ऑफकोर्स ये लूज करेगा तभी स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के लिए उसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में विश्वास रखेगा। ओके, देन वी हैव 2 का एग्जांपल देखते हैं, वी हैव 2 8 2, अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये क्या करेगा 2 लूज कर देगा फिर से, ताकि जल्दी से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं और ये स्टेबल हो जाए। अब चलते हैं 17 ग्रुप वाले पे, 17 ग्रुप वाले पे 2
2287। अब मुझे बताइए, ये अपनी अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है तो ये क्या करेगा, एक गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो ये करेगा गेन। तो ये तो हो गया मेटल, ये भी हो गया मेटल, तो ये क्या होगा पक्का? नॉन मेटल। अब आपको बताना होगा कि मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी के लिए सारा काम होगा। देन वी हैव 18 ग्रुप, तो इट इज़ 288। मैंने लास्ट वैलेंस शेल में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 10 प्लस का 8, 18। तो क्या आंसर आना चाहिए, ये भी क्या होगा, ये भी नॉन मेटल है, और वैसे भी नॉबल गैसेज हैं, ये तो बॉन्ड बनाएंगी ही नहीं, तो दीज आर नॉबल गैसेज, तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, बॉन्ड की पार्टिसिपेशन में हेल्प, बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखते हैं हमारा ये ए बी सी डी हमें गिवन है। ओके, तो आपको ए बी सी डी नाम के ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं फिर क्या पूछ रखा है उन्होंने। एलिमेंट पी क्यू आर एस हैव एटॉमिक नंबर्स 11, 15, 17, 18। ओके, हमें गिवन भी है पी क्यू आर एस के नाम, सॉरी ये और क्वेश्चन आ गया, हम यहीं पर आंसर देना है। विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? अब आपको मेटल नॉन मेटल की वो प्रॉपर्टी लर्न करने होगी। मेटल्स जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मुझे बताइए इसमें से नॉन मेटल कौन बचा, ये बचा ना, जो कि कौन है, ये क्या था आपका ए, ये कौन था बी, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका था ए, ये आपका बी, और ये क्या था सी, और ये क्या था डी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी, तो आंसर मस्ट बी सी, तो ये क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, इसका और में इंटरनल चॉइस गिवन है हमें फिर से। अब आपको पी गिवन है, क्यू गिवन है, आर गिवन है, एस गिवन है, तो पी इज 281 एटॉमिक नंबर है, अगर 11 है तो फर्स्ट शेल में 2, देन 8 आप जानते हैं, 2, 8, 5, R, 2, 8, 7, then 2, 8, 8। देखो ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर भी पूछ लेते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। विच ऑफ देम आर रिएक्टिव नॉन मेटल, रिएक्टिव का मतलब क्या, तो जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे गेन करेंगे, वो हमेशा रिएक्टिव होते हैं। तो नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मुझे बताइए क्या ये वन लूज करेगा गेन करेगा, तो पक्का लूज करेगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके, तो ये तो हमारा आंसर हो गया रॉन्ग। उसके बाद देखते हैं, अब मुझे बताइए क्यू 285 ये कितने, तीन गेन करेगा, वेरी गुड, ये गेन करेगा, तो ये पक्का क्या है, नॉन मेटल है, ये एक गेन करेगा, क्योंकि 7 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, एक गेन करेगा, तो ये भी क्या हुआ, दोनों नॉन मेटल हुए, और ये नॉबल गैस है, दिस इज नॉबल गैस। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्यू एंड आर, अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ये रहेगा आपका थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पर आपका सी आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 13 और 14 में आपको असर्शन और रीजनिंग गिवन है, और असर्शन रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। अब आप जानते हैं कि ऑप्शन क्या होने चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए या सेकंड जाना चाहिए। अगर रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हमारा आंसर जाना चाहिए 1, अगर नहीं है तो आंसर क्या जाना चाहिए, सेकंड 2। अगर ए ट्रू है और आर पक्का क्या मिलेगा, फिर आपको फॉल्स मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3। और ए अगर फॉल्स है और आर ट्रू है तो आपका जाना चाहिए आंसर 4। मैं आपको ना इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट होती हैं, और स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कंफर्म मत समझना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रीजन ट्रू पाया तो वो पक्का रीजन भी, रीजन ट्रू पाया तो ए की एक्सप्लेनेशन भी देगी। नो, देखते हैं पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब चलते हैं, अब टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा। ब्यूटेन आप जानते हैं क्या होता है, C4H10। तो हम सबसे पहले ब्यूटेन का अपनी तरफ से एक आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने चार कार्बन सीधे सीधे ले लिए, तो ये आपका पहला आइसोमर बन गया। दूसरा क्या करेंगे आप करेंगे ब्रांचिंग,
तो आपने तीन कार्बन लिए, ब्रांचिंग करने पे ये यहाँ लगा देंगे तो ब्रांचिंग नहीं होगी, यहाँ लगाने को ब्रांचिंग, तो एंड पेर नहीं लगाना, वो चेन में ही आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा बीच में, तभी ब्रांचिंग माना जाएगा कि टूट गया है, वो ब्रांचिंग हो गई है। अब यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, H3, H2, H2, H3, यहाँ पर कितना आएगा, H3, H, H3, H3, आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे करा दिया, आप देखिए कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड बना था, कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज टू फोर, तो वैलेंसी कितनी रही, फोर, और जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड कितने बना सकता है, फोर, तो कार्बन के पास यहाँ पर एक बॉन्ड था, कितनी वैलेंसी हो गई, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, फोर, तो थ्री हाइड्रोजन लगा देना है। सिमिलरली यहाँ पर ए वन टू थ्री, थ्री बॉन्ड है तो वन हाइड्रोजन लगा देना है ताकि फोर बन जाए, ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है, हाँ आइसोमर है, क्या ये ठीक है, हाँ ये आइसोमर है, ये इसको एक्सपेंड करके बनाया गया है इन्होंने, जैसे सी एच है तो यहाँ पर इन्होंने सी के साथ एच लगा दिया, यहाँ पर थ्री है तो देखिए थ्री, टू है तो देखो टू, इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ टू है तो टू देखिए, इस कार्बन थ्री है तो थ्री देखिए, ओके, तो रीज़न देखते हैं क्या है, तो असर्शन तो हमारा ट्रू पाया, येस इट इज़ ट्रू। आते हैं रीज़न पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, हाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एच कितने हो गए, 10, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया, C4H10, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आगे देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 10, और कार्बन कितने पाए, 4, तो ये भी पक्का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, सेम, स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट, बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। अब देखिए तो असर्शन तो पाई ट्रू, चलते हैं रीजन पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है डिफरेंट, मैं आपको नाम भी लिख के देता हूँ इसका, IUPAC, ये क्या होना चाहिए आपका, ब्यूटेन, और ये क्या होना चाहिए आपका, 1 2 3, टू पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ये देखिए 1 2 3, तो टू पे क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप, और बाकी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तीन कार्बन की चेन है तो मैं क्या लिखूँगा, टू मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, थ्री, तो इट विल बी प्रोपेन, या इसका नाम आपका आइसोब्यूटेन भी हो सकता है, इसका नाम आपका आइसोब्यूटेन भी हो सकता है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप उसको यूज़ कर लेना, ओके। ये आइसो ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये आइसो ग्रुप होता है, इसकी वजह से आइसो ब्यूटेन नाम इसका पड़ता है। तो हमारा रीज़न भी क्या पाया, ट्रू, और मैंने ये भी देखा कि इसका रीज़न यही होना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले आपको ऑप्शन पढ़ने हैं फिर आपको आंसर पे जाना है, ओके तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए फर्स्ट। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन में दे रखा है असर्शन, अ फ्यूज़ वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन लाइन, आप जानते हैं अगर ये मीटर है तो मीटर में से एक वायर निकल रही है लाइव, एक निकल रही है न्यूट्रल, अगर लाइव में से करंट आता है तो न्यूट्रल में तो करंट आता ही नहीं है, और फ्यूज़ वायर का फंक्शन क्या होता है कि वो रोकता है हमारे आने वाले, आगे लगने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को, यस, डैमेज होने में, तो हमें यहाँ पर फ्यूज़ वायर लगाना होगा जहाँ पर करंट आ रहा है, ताकि अगर करंट ज़्यादा आया तो फ्यूज़ वायर गर्म होकर के पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो मुझे बताइए लाइव वायर के, ये मेन मेन लाइन बोलते हैं इसको, मेन लाइन के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है, नो, ये तो एक ही लाइन में आ गया, तो क्या होना चाहिए, सीरीज में, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि ये पाया फोल्स। अब मैं आपसे जनरली पूछना चाहूँगा, अगर ये कन्फर्म है कि फोल्स है तो आपका ए फोर्स एक ही ऑप्शन में था ना, वो था डी, कि डी में आपने आपने देखा होगा डी में क्या लिखा हुआ है कि ए इज फोर्स बट आर इज ट्रू, तो आर पक्का क्या पाना चाहिए, ट्रू पाना चाहिए, तो आप देखिएगा आर ट्रू पाएगा पक्का। देखते हैं इफ अ करंट लार्जर देन, तो रीजन देखिए,
इफ अ करंट लार्जर देन, मैं आपको बता दूँ रीजन, रीजन नहीं है, नाम तो रीजन दे रखा है आपको कंफ्यूज बनाने के लिए, रीजन स्टेटमेंट होती है ये, आपको पहले चेक करना होगा, पहले देखे ट्रू है या नहीं है, फिर इसका रीजन है या नहीं है ये आपको चेक करना होगा. इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, अगर करंट लाइव वायर में जो आ रहा है वो लार्जर है स्पेसिफाइड वैल्यू से, कि हाँ भाई इतना ही आना चाहिए था पर उसे पाया ज़्यादा. फ्यूज़ वायर मेल्ट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा रीज़न क्या पाया ट्रू. तो देख लीजिए असर्शन पाया फोल्स और रीज़न क्या पाया ट्रू, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए फोर्थ, कि ए इज़ फोल्स बट आर इज़ ट्रू. ओके सो वी हैव डन आर फर्स्ट सेक्शन, वी हैव डन आर फर्स्ट सेक्शन. तो अब आपका नेक्स्ट आएगा सेक्शन बी, जिसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू.